आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और फोकस है अरबिंदो फार्मा के शेयर पर जिसकी धुलाई हो रही है। और हमारे साथ है फोन लाइन पर एंजल ब्रोकिंग की सरबजीत कौर नाकरा। सरबजीत, इस डेवलपमेंट को आप कैसे पढ़ेंगी जहां पर ऑब्जर्वेशंस में ये कहा गया है कि कंपनी के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो मिलावट को रोक सके और ये गड़बड़ियों से बचने के लिए कंपनी बिल्कुल असमर्थ रही है? देखिए, नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्वेशन जो है डेटा रिलेटेड काफी कॉमन है फार्मा कंपनीज के लिए। अगर आप देखें तो यही ऑब्जर्वेशन सन फार्मा के लिए भी थे, इप्का लैब्स के जो लेटेस्ट लेटर उसमें भी समवॉट सिमिलर ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन सिमिलर है मोस्ट फार्मा कंपनीज के लिए, या तो उनके डेटा सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स निकल आते हैं या फिर उनके डेटा इंटीग्रिटी के आते हैं। सिस्टम्स के फिर भी आप थोड़े जल्दी सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट डजंट क्वेश्चन योर एबिलिटी टू सप्लाई गुड प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स सिस्टम रिलेटेड, वो आप जल्दी रिजॉल्व कर सकते हो। डेटा इंटीग्रिटी के इशूज जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग का टाइम लगता है क्योंकि प्रोडक्ट भी सेफ हैं। तो हमें लगता है कंपनी ने भी कहा है कि वो इतना कुछ सीरियस इशू नहीं, वो रिजॉल्व कर लेंगे। तो हमें फिलहाल तो मतलब इतना कुछ सीरियस लगता नहीं है कि कुछ सीरियस निकल के आएगा। जस्ट ये है कि थोड़ा टाइमलाइंस बढ़ जाते हैं बिकॉज जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्योंकि फिलहाल तो ये सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं एज एन एनालिस्ट जिस कंपनी को काफी क्लोजली ट्रैक करती है, आपकी क्या राय इस कंपनी पर बदलेगी? क्योंकि टेक्निकली एक ब्रेकडाउन के साइंस दिख रहे हैं, फंडामेंटली आपको क्या लग रहा है किस तरह का दायरा अगर निवेशकों के पास स्टॉक है उनको बने रहना चाहिए या फिर एक बार एग्जिट ही कर ले? नहीं देखिए, वैल्यूएशन वाइज अरबिंदो पहले काफी महंगा था, अभी कुछ जब से 483 के खबर आई उसके बाद काफी स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। तो इस लेवल पे मेरे ख्याल से निकलने का मतलब नहीं बनता। इन्वेस्टर्स जो है इस स्टॉक में बने रह सकते हैं और एक मतलब कुछ खासा अपसाइड तो नहीं है लेकिन एक डिसेंट सा लगभग कुछ 12-14% तक का अपसाइड तो स्टॉक में बनता ही है। शुक्रिया सरबजीत। सरबजीत कौर नागरा कह रही हैं कि इस खबर से ज्यादा झटका नहीं पड़ेगा, जो स्टॉक में रिएक्शन आना था वो आ गया है। अगर आपके पास है तो आप निश्चिंत रहिए, लॉन्ग टर्म में अभी भी एक अच्छी स्टोरी है। जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते आपको बता दूं मिड कैप इंडेक्स 118 अंक नीचे है और सेंसेक्स निफ्टी में भी सुबह से ही जो दबाव है वो बना हुआ है। 73 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी इस समय कर रहा है ट्रेड और सेंसेक्स भी 225 अंक नीचे। बने रहिए, चल लौटेंगे।